आज पापा मम्मी का हैप्पी एनिवर्सरी और साथ में बर्थडे भी है और संतों ने बोला है कि हम नथुपुरा ब्रांच में नथुपुरा नंकरी ब्रांच में बर्थडे मनाएंगे एनिवर्सरी मनाएंगे, तो पापा ने चल दिए हैं ब्रांच के लिए और हमें वहां से संभल का भी निकलना है। सब ये बच्चे जो होते हैं थोड़े से लाडले होते हैं, थोड़ा सा बड़ों को थोड़ा तंग भी कर लेते हैं और थोड़ी सी ऐसे टाइम पर जिद भी करते हैं, तो ये बच्ची सोमवती आ गई है। और जी ये जी सोमवती जी इनका जन्मदिन है। और एक और बात उमेश जी का आ गया, ये इनके पति देव है, इन दोनों की शादी भी आज हुई है। प्यार से कहिए। और इनके घर में दो दिन से पहले पोता भी हो गया। आज ही आप बुलाओ जी। और कितनी खुशी की बात है कि बच्ची का जन्म आज हुआ, शादी आज ही, पोता 3 दिन पहले हो चुका है। 3 नंबर बस नथुपुरा वाली बस में अभी जी बैठे हैं, वो भी आ जाए। और ताली एक आधे महात्मा ने बजाइए, बाकी सब जाइए। ये तो अभी आपका वो एरिया है नथुपुरा और संत नगर की इतनी संगत है जो आज जा रहे हैं, बहुत सी गाड़ियां जा रही हैं, 10-50 है। सेक्टर 24 से कुल यानी कि आप 60 से उसको जरब कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, अपनी कैलकुलेशन भी तो जाएगी। और लगभग 60 गाड़ियाँ ये भी अपनी अपनी गाड़ी 60-60 पूरे सेक्टर से, पूरे सेक्टर से। तो लास्ट निवेदन करेगा, जिन जिन बच्चों का चाहे वो बड़े हैं चाहे बुजुर्ग हैं, आज जन्मदिन है, एक बार हाथ खड़ा कर दें। कोई नहीं बच्चों अभी तो बच्चों की बारी आई है, जिनके बेटों का जन्मदिन है वो हाथ खड़ा कर दें। देखो जी गिन लो अपने आप। और जिनके पोतों का जन्मदिन है, जिनके पोतियों का जन्मदिन है, देखो जी प्यार से कहिए। वो भाई साहब जी ने 2 हाथ खड़े किए हैं, आप जो आप सभी से केक कटवाएंगे और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो भी आ गया, आ जाओ। और किधर की वर्षा जी और कमलेश जी आओ। हर पल बिताएं भक्ति में, तभी तो जिंदगी में खुशी के दिन आते हैं। पिता अमर सिंह भाषा राते हैं, पाऊजी भगत राम जाने ये शासन में दिए छोटे से बच्चे का भी जन्म छोटा सा। बार बार दिन ये आए, सितंबर महीने में जिनका जन्मदिन है, पूरे महीने में जिनका जन्मदिन है, पूरे महीने में किसी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी के पोते का, किसी के पोती का जन्मदिन है, आज ऊपर आ जाओ, आ जाओ जी। और इधर ये बहन जी नथुपुरा से हमारी बस निकल जाती है संत समागम के लिए और यहाँ पर सेवा माता जी ने जो लगाई थी, तो हमारी बस नथुपुरा से निकल के पानीपत हाईवे पर चलना शुरू हो गई है। और आज सेवा भी था और मम्मी पापा का बर्थडे भी मन गया और हमें बस पे यहाँ पर बैठे हुए हैं साथे संतों के साथ में, तो सेल्फी में ले रहा था तो बहुत ही खुशी हो रही थी। आज माता जी के दर्शन होंगे तो सत्संग दर्शन, वाकई दर्शन हुए माता जी के, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और काफ़ी सेवा। मैं जाने को नहीं था, जैसे मैं ब्रांच से पहुंचा ऑटोमेटिकली माता ने अपने रोड खींच लिया और बहुत ही अच्छा था। We'll be right back.
पर काफ़ी संकट गाते हुए, गुरु के गीत गाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए सेवा की ओर में पानी पर समल खाने जा रहे हैं संतो। बहुत ही आनंद होता है जब हम बस में बैठ के सारे संत मिलकर नाश्ता पानी करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, गुरु को याद करते हुए हम सभी संत जाते हैं। और हम सोनीपत 26 किलोमीटर सिंधु बॉर्डर 4 किलोमीटर तक पहुंच गई है हमारी गाड़ी, और आगे बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं सिंधुपुर बॉर्डर। आगे चल के सिंधुपुर बॉर्डर से हम लोग पहुंच जाएंगे, तो करीब 1.5-2 घंटे लगते हैं। रोड बहुत प्यारी बन गया है, तो बस यूँ ही 1-2 घंटे में करीब पहुँचा ही देती है। तो कुछ ज़्यादा वैसिंग टाइम नहीं लग रहा, देख सकते हैं यहाँ पर कितने हरे हरे खेत हैं, कितना मनमोह लेते हैं ये धान की फसलें हैं। बड़ा मज़ा आता है सत्संग जी पानी पर जाने में और माता के सतगुरु माता के दर्शन करने में। फाइनली हम निरंकारी संतंग सत्संग समागम स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां पर 76वां समागम का शुभारंभ होने जा रहा है। और यहां देख सकते हो, यहां पर पहला गेट नंबर 1 पड़ा हुआ है। और आगे जाके हम आपको दिखाएंगे ये व्यू, जो निरंकारी संत समागम का जो व्यू है। यहां पर माता जी यज्ञ रचने वाली हैं सभी भक्तों के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। और आगे इस गेट से मना कर दिया, तो आगे गेट से हमारी गाड़ी अंदर के लिए जाएगी। देख सकते हो ये समागम ग्राउंड है, जहाँ पर टीन शेड पूरा जो पड़ा हुआ है, ये बॉर्डर है, जो ग्रिल लगी हुई है, ये सारा माता जी का ही है, हम संतों का है। आगे गेट से हमारे सेवा के लिए देख सकते हो तैयारियां हो चुकी हैं काफ़ी। 76वां संत निरंकारी समागम 28, 29, 30 देख सकते हो काफ़ी पोस्टर लग चुके हैं यहां पर। और फाइनली हम आ चुके हैं संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समलखा पानीपत। ये गेट रहा, ये गेट नंबर 2 है। और ये यहां पर बगल में आपको पेट्रोल टंकी दिखेगी, और यहाँ पर पेट्रोल की सुविधा उपलब्ध है। तो आगे ये पेट्रोल टंकी के साइड से ही हमारा एक 3रा नंबर का जो गेट है, तो वहाँ से हमारी गाड़ी अंदर के लिए वहाँ से जाएगी। ये अशोक लेलैंड कंपनी है, और इसके जस्ट आगे से हमारा ये थाना भी पड़ जाएगा यहाँ पे समलखा का। तो यहाँ से भी एंट्री नहीं लगी, काफ़ी और लंबा जाना पड़ेगा हमको। वहाँ से एंट्री था अंदर के लिए जाने के लिए, जहाँ पर सतगुरु माता ने हमें बहुत ही असीम कृपा की है और सेवा करने का मौका दिया। फाइनली हम आ चुके हैं गेट नंबर 3 पर, और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बसें सेवा के लिए जा रही हैं।
और यहाँ पर हमारी गाड़ी एंट्री है। अभी गार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक जना उतर के यहाँ पर पर्ची कटा लीजिएगा। फाइनली हम देख सकते हो यहाँ का कितने खंभे वगैरह, काफ़ी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं और एम्बुलेंस भी तैयार खड़ा है। यह काम बहुत जोर शोर से चल रहा है समलखा में, काफ़ी सेवा दल लगा हुआ है और यहाँ पे एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध है और फाइनली हम पहुँच चुके हैं समलखा। यहाँ पर बसें लगी हुई हैं, वहीं ड्राइवर हमारे ड्राइवर भाई जी ने वहीं पर लगा लिया है। साइड में लंगर एंड कैंटीन स्टोर यहाँ पर लगेगा, काफ़ी व्यवस्थाएं बल्कि बन चुकी हैं वहाँ पर। काफ़ी देख सकते हो पूरा खेत को जोत जोत के एक तार कर दिया, पहले का जो लिखा हुआ है रूहानियत और इंसानियत संग संग, जो सत्संग वाकई रूहानियत और इंसानियत संग संग ही होना चाहिए। और देख सकते हो ग्राउंड का जो मैदान है माता जी का, देख सकते हो लाइट की सुविधा है और ये मैं काफ़ी जनरेटर की सुविधा और रोड देख सकते हो कितनी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। काफ़ी दो चोर से तैयारियां चल रही हैं, टेंट वेंट लगने को जा रहा है। फाइनली अब दिन ही समागम के कम रह गए हैं और ये देख सकते हो ये कैंटीन है, कैंटीन बिल्कुल चालू है। यहाँ पर संत काफ़ी काम करते हैं तो यहाँ पर कैंटीन भी बिल्कुल चालू है। फाइनली और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ये लंगर का टेंट है, आपको पूरा व्यू दिखाएंगे जो यहाँ पर संत समागम स्थल का जो सेवाएं चल रही हैं वहाँ तक आपको लेके चलेंगे किस तरीके से सेवाएं यहाँ पर, यहाँ के जो भक्तजन हैं अनुनायी हैं यहाँ पर जो निभाते हैं। फाइनली फिर हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है टूल टैक्स पर। ये पानीपत का जो टूल टैक्स है, समलखा से पहले एक टूल टैक्स पड़ता है, तो हमारी गाड़ी वहां पर पहुंच चुकी है फाइनली। और आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहां पर काफ़ी सुविधा का मोदी ने काफ़ी सुविधा कर दी है, फास्ट टैग वगैरह का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पर तो आपको देखने को कुछ केंद्र जी मिल जाएंगे और फाइनली अब देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ऑटोमेटिक सुविधा कर दी गई है, जैसी गाड़ी एंटर होती है वैसे ही ब्रेक खड़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं। सबसे समय रंग से तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं, काफ़ी टेंट के जो खम्भे वगैरह हैं काफ़ी गढ़ चुके हैं। देख सकते हैं कितनी महिलाएं, कितनी सेवा दल, कितनी सेवाएं कर रहा है और यहाँ पर देख सकते हो कितनी माताएं बहनें सेवा कर रही हैं, लगी हुई हैं सुबह से ही 7 बजे से। हमारी बस अब स्टॉप पे आ जाती है संत समागे वह निरंकारी स्थल पर और यहाँ पर अध्यात्म की हमारी बस है और संतरी कलर की हमारी ऑरेंज कलर की बस है और यहाँ पर हमारे काफ़ी संत उतर रहे हैं संत समागम। देख सकते हैं गाइस, देख
और काफ़ी संत हमारी बस समागम सेवा के लिए यहाँ पर जो संत आए हुए हैं, काफ़ी देख सकते हो कितनी बड़ी बस है यहाँ पर। और अब हम लोग सेवा करेंगे, यहाँ पर केला भी दिया, संत तो सेवा कर रहे हैं केला की उतरते ही सेवा। देख सकते हो समागम ग्राउंड में काफ़ी सेवाएं लगी हुई हैं, काफ़ी पोस्टर्स माता जी के लगे हुए हैं, काफ़ी ढके हुए हैं। देख सकते हो किस तरीके से निरंकारी संत समागम स्थल समलखा में कितनी जोर शोर से हमारे संत महापुरुष यहाँ पर लगे हुए हैं, सेवा में मिट्टी को इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारे देश विदेश गांव से शहर से जो हमारे संत आएंगे उनके लिए तैयारियां हो रही हैं सत्संग जी। और हम भी यहाँ पर देख सकते हैं सत्संग जी, हमारी तो कोई औकात नहीं है सेवा की, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम लोग सेवा निभा रहे हैं। काफ़ी संत महात्मा जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पर देख सकते हो। दातारी संभाले रखना, दाताली संभाले रखना। ये मम्मी जा रही हैं पानी लेने के लिए वहाँ पर। अब कुछ ही मिनटों में हमारी सेवा समाप्त होने जा रही है, अब हम लोग जा रहे हैं लंगर के लिए। लंगर खाने के लिए हमारी सेवा समाप्त हो चुकी है, अब हम लोग फावड़ा लेके अपना सारे मम्मी पापा सारे लोग हम लोग जा रहे हैं लंगर के लिए। वहाँ पर फावड़ा रखेंगे, देखो कितने हमारी बस में जितने भी संत महापुरुष आए हुए थे सारे ही आ रहे हैं। फावड़ा वैसे गांव में तो मैंने बहुत ही कम चलाया था। देख सकते हो हमारे सरदार जी महापुरुष किस तरीके से इसको, हमारे संत पुरुष आएंगे किस तरीके से इसको लेवल किया जा रहा है खेत को। यहाँ पर टैंक लगेंगे सत्संग जी। देख सकते हो यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ है। Thank you.
हम लोग जा रहे हैं प्रदर्शनी देखने के लिए। यहाँ पर काफ़ी इंतजाम हो चुका है, यहाँ पर निरंकारी संत समागम पानी फर समलका में काफ़ी जो तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं, बहुत ही तेज़ी से काफ़ी सेवाएं हो चुकी हैं, टेंट वेंट भी लग रहे हैं, देख सकते हो। निरंकारी संत समागम 28 29 27 28 29 30 देख सकते हो। ये पांडाल रहा जिसमें माता जी बैठती हैं, ये बन चुका है निरंकारी एजुकेशन। पता है काफ़ी निरंकारी मिशन एग्जीबिशन यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर सारी जो तैयारी जोर जोर से चल रही है देख सकते हो। थोड़ा ये प्रदर्शनी है देख सकते हो माता जी का, यहाँ पर जगह छोड़ के।